फाइनली आज हम लोग बुंगो, जो भी नाम है इसका, स्ट्रे डॉग्स सीजन 4 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इस एपिसोड में हमें फोकस हुआ जो कि रैम्पो से मिलने जाता है या कम फर्स्ट मीट होती है उसकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हमें फुकुजावा को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर चल रहा होता है, एंड उसकी नज़र जाती है एक न्यूज़पेपर वाले स्टॉल पर। फाइनली अपने वो फ्लैशबैक में देखते हैं अपने आप को कटाना लिए हुए, जहाँ पर उसने कई लोगों की मर्डर किए हुए हैं। खैर, उसे कॉल आता है जो कि पुलिस आर्म फोर्स से होता है, पर वो कहता है कि वो हमेशा अकेले से ही काम करना चाहता है। और यहाँ पर वो देखता है कि एक खून हो चुका है जिसे वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हुआ है, एंड यहीं से उसे कॉल आया था। इस चीज़ को देखने के बाद वो वहाँ पर जाता है जहाँ पे इस व्यक्ति का मर्डर हुआ था, एंड ये एक एजेंसी का प्रेसिडेंट है जहाँ पे पीए उसका होता है। एंड ये बोलता है कि उसने काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को सेट कर रहा है, तो इसके मतलब ये है कि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है या नहीं, इसके बारे में वो चीज़ चेक कर रहा है। यहाँ पर हमारा फोकस जो होता है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इन सभी चीज़ों में, वो बस सोच रहा होता है कि इसका मर्डर हुआ कैसे है। इस पर वो बताता है, प्रेसिडेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इवन मैं उनके साथ ही रहता था। यहाँ पर फासाद जब मर्डर हुआ उस दौरान हमने किलर को भी पकड़ लिया जो कि अंदर है कमरे की, जिस पर हमारा फोकस आपको पूछता है क्या वो अंदर जा सकता है। यहाँ पर वो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो एज ए गेस्ट, लेकिन मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट को तुम इधर से उधर नहीं करोगे। जिस पर फोकस आपका बिल्कुल मान जाता है और अपने मार्शल आर्ट की स्किल्स को यूज़ करते हुए वो कमरे के अंदर पहुँचने की कोशिश करता है, जिसे देख कर पीए काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है कि एक्चुअली मैं भी हूँ क्या यहाँ पर। यहाँ पर हमें फोकस आपको दिखाया गया है जो कि वहाँ पर आँख खोलते ही देखता है कि सामने उसके एक बच्चा बैठा है जिसके टेबल के ऊपर 2 गन्स रखी हुई हैं। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ही ये देखने में अंदाज़ा लगाता है वो कि ये बच्चा सिर्फ कुछ टीन्स में ही होगा, यानी कि 14-15 एज में होगा, और इसके पास 2 बुलेट्स हैं, यानी कि ये किसी गैंग को बिलोंग कर रहा है एंड इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी। तभी यहाँ पर रैम्पो की एंट्री होती है। यहाँ पर रैम्पो आता है अंदर की तरफ, एंड यहाँ पर वो कहता है हे, मुझे सुना है कि यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस आया हुआ है, तो मैं उसी को हैंडल करने के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ पर वो कहता है कि फाइनली मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इस पर पिया कहता है कि तुम हो कौन। रैम्पो बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर इंटरव्यू के देने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यूअर ही मर चुका है। खैर, यहाँ पर वो केस सॉल्व कर देगा, वैसे भी मुझे एक कोई थिक पेपर की ज़रूरत है। इसलिए वो खिड़की को खोलता है जिसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स हवा में उड़ने लगते हैं सिवाय एक पेज के, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा होने की वजह से हवा में नहीं उड़ रहा था। एंड इस चीज़ को वो नोटिस कर लेता है। पीए की तरफ देखते हुए वो कहता है वैसे तो मैं सोच रहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक चोरी नहीं हुआ है, ऐसा वो पीए को बताता है। जिस पर पीए कहता है उसने 48 आवर्स से लगकर इसने ये काम किया था। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली में मर्डर तुम ही हो, है ना, मैंने सही कहा ना पीए। एक्चुअली में यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा रैम्पो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा माइंड से स्ट्रांग है, बोले तो एल के लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन एल लेवल का भी हो सकता है ये। खैर, क्योंकि इसने जो भी केसेस सॉल्व किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है फुकुजावा के क्वेश्चनिंग करने पर कि फिर वो कोर्ट पर फिंगरप्रिंट्स, तो वो बताया था कि इसने उस किलर के फिंगरप्रिंट्स काफ़ी इजली तरीके से उसमें हैंडल कर दिए थे, इसके लिए वो कल्प्रिट पकड़ा गया। साथ ही रैम्पो ये भी बताता है कि एक्चुअली में मर्डर पीए ही है जिसने उसका मर्डर किया, एंड उसने हायर किया एक किलर को जिससे उस किलर को वो फंसाया जा सके, एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर रैम्पो के आने की वजह से ही पूरा खेल पलट जाता है, एंड पीए वापस से कहता है कि इस बच्चे को चुप करा लो अगर ये तुम्हारे साथ आया है तो। जिस पर वो कुछ भी नहीं कहता, एंड रैम्पो शांति से बैठा होता है। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, एंड देखने को मिलता है कि वो बच्चा खड़ा हो चुका है, एंड इन दोनों के बीच में एक एपिक फाइट होती है जो कि मुझे देखकर काफ़ी मज़ा आया। एंड इस फाइट के दौरान ही वो बच्चा उस पीए को मार देता है। एंड इस चीज़ को देखते ही मेरे दिल में एक सुकून तो आता है कि किलर मारा गया, लेकिन एक्चुअली में किलर को हायर भी इसी ने किया था, तो किलर ने इसे भी मार दिया उसे फंसाने के जुर्म में। खैर, बच्चा गन को डाउन कर देता है, एंड वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है अब मैं अरेस्ट होने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हमें दिखाया गया कि ये दोनों केसेस को सॉल्व करके फुकुजावा जो होता है वो रैम्पो को अपने साथ लेकर जाता है खाना खिलाने के लिए, एंड एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो काफ़ी सारा खाना खा लेता है। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो स्वॉर्ड मैन है या फिर फुकुजावा जो है, एक्चुअली में रैम्पो की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये उस चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि एक बैक स्टोरी चल रही है। वहीं हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इन लोगों के बीच में जो बातें चल रही होती है ना, वो बताता है कि ना ही उसका घर है ना ही कोई परिवार है, जो उसकी फैमिली थी या फिर को पेरेंट्स थे वो मर चुके हैं और वो एक अनाथ है। तो वो बाहर जाकर कॉल करता है उसी के एजेंसी के नंबर पर, जिस पर वो उठाता है और कहता है तुमने मुझे वापस से कॉल क्यों किया। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। यहाँ पे एक और न्यू केस आया हुआ था जहाँ पे एक हीरो को या फिर कहूँ जो
तो एक्टर को डेथ के लिए किसी ने शायद चैलेंज किया या कुछ तो होने वाला है, इसलिए वो इस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये जो लेडी है ना, वो बताती कि हमें शक है वी नाम के किसी गैंग के ऊपर, एंड यहाँ पर वो उसका साइन भी देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ हमें ये चीज़ कुछ महीनों पहले मिली थी, इसलिए हो सकता है कि ये इस किलर को मारने, किलर जो है ये एक्टर को मारने की कोशिश करेगा। रेनपो आकर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड यहाँ पर जो फुकुदावा होता है वो बताता है कि यही लेडी तुम्हारा इंटरव्यू लेगी, जिस पर फुकुदावा रेनपो बताता है कि ये मेरे को सिलेक्ट नहीं करेगी। उसने ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी, एंड साथ साथ वो ये भी बताता है कि ये लड़की तुम पर नज़र रखने के लिए ही तुमको यहाँ पर बुलाई है, क्योंकि पुलिस वाले इस लड़की पर नज़र रखेंगे और ये तुम पर। इसके बाद यहाँ पर ये जो लड़की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और इस बात को देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। फुकुदावा बिल्कुल भी सोच नहीं रहा होता है, सिर्फ इतना सोच रहा होता है कि रेनपो को ये सारी चीज़ें पता कैसे चल रही हैं, मतलब वो बिन कुछ किए कैसे कर रहा है ये सब कुछ। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, एक्टर से मिलने गए हैं तो, एंड एक्टर बताता है कि उसका ना ही कोई दुश्मन है, वैसे भी वो 6 मंथ से पूरी तरह से इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड था, मतलब इस सीन के लिए, एंड ये पूरा सिंगल एक्टर शो होने वाला है शायद से। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर रेनपो बताता है कि वैसे भी तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा बकवास है एंड बोरिंग है, जिस पर वो कहता है आखिरकार ऑडियंस ऑडियंस ही होती है, एंड ऑडियंस ही जज करेगी कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमें को वर्कर्स या फिर को एक्टर्स को भी देखने को मिलता है जो कि तैयार हो रहे होते हैं एंड अपनी अपनी लाइन्स को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कई सारे लोगों को जो कि अपने काम से खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लीड रोल नहीं मिला है, एंड इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि ये लोग जिस भी इन्वेस्टिगेशन या फिर जिस भी व्यक्ति से मिल रहे होते हैं कुछ ज़्यादा खास इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें 3 फेसेस दिखाए गए हैं जो कि न्यूज़पेपर में छपे होते हैं, एंड इन पर काफ़ी लंबे समय से फुकुदावा भी नज़र रखे हुए हैं, यानी कि एपिसोड की स्टार्टिंग से। वही हमें देखने को मिलता है कि जितने भी सब लोग मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पर पुलिस वाले खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिस पर रेनपो से जो फुकुदावा होता है वो एक क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो पीए ही मर्डर है। वो बताता है वेरी सिंपल, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए ही आया था, एंड उस कोर्ट पर जो भी चीज़ें लगी हुई या फिंगरप्रिंट होंगे वो उसने खुद ही इंस्टॉल किए होंगे या फिर कहो मर्डर के, क्योंकि उसके लिए वो काम करना काफ़ी था ईजी एंड सिंपल है। एंड इस टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो शांत से खड़ा है, एंड इस चीज़ का फ़ायदा वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हैं और तुम एक कटाना भी होल्ड करते हो, इसका मतलब तुमने पास्ट में कुछ गलत किया होगा। इस बात से चिढ़ जाता है फुकुदावा एंड जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से रेनपो जो होता है काफ़ी दूर जाके गिरता है, एंड इस बात का रियलाइज़ होता है जब फुकुदावा को, तो वो रेनपो को उठाता है जाके और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या तुम ठीक हो, जिस पर रेनपो कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा गुस्से क्यों आ गए थे, जिस पर वो कहता है कि आई एम सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि वापस से शो शुरू होने वाला है, तो सब लोग कृपया अपने अपने लाइन से अंदर की तरफ आ जाएं, एंड स्टेडियम पूरी तरह से भरने वाला होता है यहाँ पर, आई मीन ऑडिटोरियम सॉरी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं, फिर कहूँ जो हमारा रेनपो है एंड फुकुदावा की तरफ काफ़ी बड़ी परेशानी होती है, एंड एपिसोड वहीं पर बूम। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो, एंड जो मेरा न्यू चैनल है जाके राहुल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जयपुर के आगे की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो वीडियो को जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आई मीन चैनल को, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।